समझ में आ गया? हेड, वार्नर और मार्श में से एक को ये ले लेना, उसके बाद मैक्सी दूसरा, स्मिथ तीसरा, लबुशाने चौथा और पांचवा, ये जो मैंने बताया ना कि बॉलर में से एक को लेना, ये टोटल क्या हो जाएंगे पांच। कब? सिनेरियो जब ऊपर से मान रहे हैं। हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब एक बात मुझे बताओ कि क्या आप लोग भी स्टैट्स देखते हो क्या, और स्टैट्स को देख करके अपनी टीम का सिलेक्शन करते हो क्या? मतलब एक होता है ना कि ये दो टीम है, दो टीम आपस में पिछले पांच मैच में भिड़ी हैं, तो इनके खिलाड़ियों का स्टैट यानी इन प्लेयर्स को इन बॉलर्स ने आउट किया और इन बॉलर्स और इन बैट्समैन को इन बॉलर्स ने आउट किया, तो क्या ये स्टैट्स देखते हो कि हाँ पिछले पांच मैच में इसमें दो बार आउट किया है, इस बॉलर ने तीन बार आउट किया? तो अगर आप इस स्टैट्स के हिसाब से जा रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि स्टैट्स के हिसाब से मत ज्यादा जाया करो, क्योंकि ये जो स्टैट्स है ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, ये बहुत हद तक मुझे बकवास लगता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टैट्स को मत देखो, रिकॉर्ड्स को मत देखो, और ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। एक बात बताओ, ये दो टीमें खेल रही हैं आपस में, चार पांच मैचेस खेली हैं, तो बल्लेबाज से बल्लेबाजी तो करने नहीं आया ना यार, बॉलर भी तो बॉलिंग करने आया, और जब बल्लेबाज रन बनाएगा या फिर बैटिंग कर रहा है तो बॉलर भी जब बॉलिंग करेगा तो विकेट तो कहीं ना कहीं लेगा ही लेगा ना, तो ये मैटर नहीं करता। अब एक बात बताओ, मेरी टीम में और आपकी टीम में मैच होता है, ठीक है, मेरी टीम में आपकी टीम में मैच हो रहा है, तो आपके बल्लेबाजों को क्या मेरे बॉलर आउट नहीं करेंगे, और मेरे बल्लेबाजों को क्या आपके बॉलर आउट नहीं करेंगे? आउट करेंगे करेंगे। तो ये जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इसको हाइप बना दी गई है कि इसके सामने ये आउट किया, इसने इसको आउट किया, तो यार ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा रहता तो मुझे लगता है कि 10 ओवर के अंदर क्या होगा, पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि जो 10 विकेट हमें लेने हैं, कैप्टन क्या करेगा कि 10 ओवर के अंदर वो अलग अलग बॉलर्स को, जिसके सामने उसकी कमजोरी है, उन बॉलर्स को सामने लाएगा और 10 विकेट क्या करेगा, गिरवा देगा। यानी 10 ओवर के अंदर क्या होगा, मैच रफा दफा, मतलब खेल खत्म, पैसा हजम, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होता है। तो रिकॉर्ड ही मत देखा करो, पता है क्या देखा करो, आप ये देखा करो कि जो बल्लेबाज है उस बल्लेबाज की जो कमी है वो पेसर के सामने कमजोर है या फिर स्पिनर के सामने कमजोर है, ये चीज देखा करो कि ये जो बल्लेबाज चल रहा है पेसर के सामने इसकी कमी है कि नहीं है, स्पिनर के सामने इसकी कमी है कि नहीं है, और अगर है तो भाग करके जाया करो कहां पे, पिच की तरफ, पिच की तरफ जाकर के भाग के जाके जाया करो और जाके देखा करो जो पिच है वो किसको सपोर्ट कर रही है, पेसर्स को मदद कर रही है फिर स्पिन को मदद कर रही है, तो फिर उसके हिसाब से अपने इक्वेशन को, अपने गुणा गणित को, समीकरण को बनाया करो और इक्का दुक्का खिलाड़ियों को इधर उधर कर दिया करो, ये ना कि पूरा पूरा चेंज करते। तो देखो, जब दो टीम खेलेंगी तो यार विकेट्स तो लेंगी, रन भी बनेंगे और विकेट्स भी लेंगे। अब इस तरीके से आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, स्टार्क और जैम्पा ने रोहित शर्मा और गिल को परेशान किया, तो मतलब क्या आप उन दोनों को हटा दो ये सोच के कि स्टार्क और जैम्पा क्या करेंगे, विकेट ले लेंगे। हैजलवुड ने परेशान किया विराट कोहली को, तो मतलब क्या विराट कोहली को भी टीम से हटा दो, हटा ही दो, क्योंकि भाई अब तो हैजलवुड ऊपर बॉलिंग करेगा तो आपको ये लग रहा है कि अगर रिकॉर्ड के साथ उनके खिलाफ अच्छा है तो फिर हैजलवुड विकेट ले लेगा। श्रेयस अय्यर को अगर आप मानते हो कि बाउंसर पे मतलब उनको दिक्कत होती है तो फिर तीनों बॉलर क्या करेंगे, बाउंस मारेंगे, कमिंस ज्यादा बाउंस मारेगा तो फिर श्रेयस अय्यर को भी हटा दो, तो ऐसे तो आप पूरी टीम को हटा दोगे। तो ये स्टैट्स मुझे लगता है बहुत मायने नहीं रखते हैं, ये मायने रखता है कि जो बल्लेबाज है वो पेसर्स के सामने कमजोर है या फिर स्पिनर के सामने कमजोर है, और अगर पता चलता है कि हाँ इसकी वीकनेस है तब भाग के जाया करो कहां पे, पिच के, पिच देख लिया करो पिच कैसी है, ठीक है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग दिखाते रहते हैं, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आता है कि दिखाओ, मैं नहीं मना कर रहा कि मत दिखाओ, दिखाओ बट लोगों को समझाओ यार, ये सब बातें समझाओ। अब एक बात बताओ, जैसे मानते हैं और होता है ना कि दिखाया जाता है कि ये जो बल्लेबाज है इस टीम के खिलाफ इसका एवरेज जो है वो इतना एवरेज है और इतना स्ट्राइक रेट है, यार इसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के हाइप इसकी बनाई जाती है, इसकी बहुत हाइप मत बनाओ। एक बात बताओ, मान लेते कि रोहित शर्मा है ना, मान लेते कि रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है यानी एवरेज और स्ट्राइक रेट है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाफ है वो अच्छा नहीं है, समझो मान के चल रहे कि रोहित शर्मा का एवरेज स्ट्राइक रेट या रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक अच्छा नहीं रहा है, तो आप बताओ क्या आपकी जरूरत है, आपको इतना अंदर से हिम्मत आ रहा है कि इस आंकड़े को देखते हुए आप रोहित शर्मा को क्या करोगे, ड्रॉप करोगे? आपको लगता है आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो यार करंट फॉर्म देखो कि करंट फॉर्म क्या चल रहा है, किस तरीके से खेल रहा है, और खास तौर से एक बात समझना, ये स्टैट्स तब फेल हो जाते हैं जब हमारा इंडियन प्लेयर होना, तो ये स्टैट्स की तरफ बहुत मत जाया करो, बिकॉज नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ भारतीय खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी के पावर को अंडरस्टिमेट मत करना। अब एक बात बताओ, हमारे जो बल्लेबाज है, राइट हैंडर्स बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर पेस जो बॉलर है उनके सामने प्रॉब्लम होती थी ना। शाहीन अफरीदी का क्या हुआ, परेशान किया उसने, किया क्या, ट्रेंट बोल ने परेशान किया क्या, मिचेल स्टार्क ने बहुत परेशान किया क्या, और भी बॉलर को देख लोगे, लेफ्ट हैंडर जितने हैं कुछ खास परेशान नहीं किया। तो यार जो हमारी कमजोरी रहती है इंडियन टीम क्या करते हैं, उसको रिकवर कर ही लेते हैं, मतलब उस पर काम कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों पे स्टैट्स मत जाया करो, ठीक है। पिछली वीडियो मॉर्निंग मैंने बनाई है, मुझे उम्मीद है कि आपने उन वीडियो को जाकर वॉचआउट किया होगा और उसी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ाते, नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के वॉचआउट करना, मैंने पूरा डिटेल में समझाया कि वहाँ पे क्या होने वाला, ठीक। अब मैं आपको एक टीम बना के दिखाता हूँ, ये टीम मैं क्यों बना रहा हूँ, देखो मैं क्या बताता हूँ कि जो भी स्टैट्स लोग दिखाते हैं गलत नहीं है, दिखाओ लेकिन लोगों को लॉजिक समझाओ, सिनेरियोस बनाओ कि सिनेरियोस क्या हो सकता है। जैसे एक सिनेरियो मैं ये बनाता हूँ कि अगर हम मानते हैं कि इंडिया क्या है, मान लो कि इंडिया मानते हैं कि इंडिया के टॉप ऑर्डर चलेंगे, ये पहला सिनेरियो है।
तो मान लेते दूसरा सिनेरियो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर चलेंगे, मान लेते तीसरा सिनेरियो कि इंडिया के टॉप ऑर्डर या टॉप थ्री नहीं चलेंगे, तो फिर मिडिल ऑर्डर से कौन चलेगा, फिर किनको किनको रखना चाहिए और फिर उनमें से किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, ये होता है तीसरा सिनेरियो। मान लेते कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, तो उसके हिसाब से इंडियन बॉलर्स को किसको रखना चाहिए, या फिर ये मान लेते कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा तो उसके हिसाब से मिडिल ऑर्डर में किसको रखना चाहिए, ये सब सिनेरियोज बनाओ यार। जब सिनेरियोज लोगों को बताओगे आप तब लोग समझ पाएंगे ना कि हाँ यार अगर ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी टीम बनानी चाहिए, ये सब बताना चाहिए। बहुत सी बातें मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है, वीडियो के साथ बने रहो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको फायदा करेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा ही होगा, बट मैं आपको सोचना बताता हूं कि क्या क्या सोच सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप टीम खुद बनाना। अब देखो एक टीम मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है, ये बीच में ऐसे कर देते हैं। अब देखो 11 की टीम बनाते हैं और हम मानते हैं क्या कंडीशन में क्या बना रहा हूं, इंडिया टॉस जीत के क्या कर रही है, पहले बैटिंग करी, समझो मैंने बताया है कि बहुत हद तक चांसेस है कि इंडिया 70% टॉस जीतेगी और पहले बैटिंग करेगी, पिछली वीडियो बनाया आप जाके देखना। और चलो वीडियो टीम बना रहे हो, बता रहा हूं ये मान करके कि इंडिया टॉस जीत करके क्या कर रही है, पहले बैटिंग कर रही है, तो पहले जब बैटिंग करेगी तो हम क्या लेकर के चल रहे हैं, 7-4 का रेशियो लेकर चल रहे हैं, 7 इंडियन खिलाड़ी और 4 क्या है ऑस्ट्रेलिया के। तो देखो मैं टीम कैसे बना रहा हूं, मैं लॉजिक समझाऊंगा क्यों ऐसे बना रहा हूं। पहले तो सबसे पहले आपको गिल को रखना होगा, गिल और ये रहा शमी। अब आप समझ रहे हो ना गिल और शमी को मैंने क्यों रखा हुआ है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, गुजरात टाइटंस, ये दोनों किसमें खेलते हैं, गुजरात टाइटंस, यानी अहमदाबाद जो है ये इनका होम ग्राउंड है और जो फाइनल जो होने वाला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाला है। तो गिल और शमी जो है वो इस पिच से अच्छे तरीके से वाकिफ है, चाहे वो बल्लेबाजी करें वो गेंदबाजी करें, दोनों अच्छे तरीके से क्या है वाकिफ है और ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। आगे देखो ट्रंप कार्ड प्लस सेफ प्लेयर होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। आगे देखो विराट, विराट को ड्रॉप नहीं कर सकते ना यार, बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, 100 का हो सकता है कि वो 100 भी मार सकता है। चौथा प्लेयर देखो रोहित, रोहित शर्मा, ठीक है, 4 ये रोहित शर्मा। पांचवा लगाते हैं बल्लेबाज से हम लगा लेते हैं क्या, अय्यर, अय्यर। और सातवां बल्लेबाज हम क्या लगा लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 हुए ना, और हम क्या लगा देते हैं यहां से जडेजा, जडेजा कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। और ये देखो यहां पे क्या है, राहुल, राहुल को यहाँ पे बीच में डाल दे रहा हूँ, बट राहुल को मैं गैप भी करूंगा, उसके पीछे रीजन बताऊंगा कि मैं राहुल को क्यों गैप करूंगा उसके पीछे, देखो बहुत बड़ा बात मैं बताने वाला हूँ, देखते रहना, ठीक है। अब इधर की तरफ आते हैं, वार्नर, वार्नर को हम टीम में रखेंगे, मैक्सी को रखेंगे, 4 खिलाड़ी रखना है ऑस्ट्रेलिया का, वार्नर मैक्सी, और देखो एक जो जगह है, एक जगह के लिए 3 दावेदार हैं, कौन कौन से दावेदार हैं देखना, स्मिथ, स्मिथ लाबुशाने, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा मार्श, 3 दावेदार। और ये लास्ट जो 11वां पोजीशन है, 11वां पोजीशन के लिए मैं 3 दावेदार को फिर से बनाता हूं, कौन, स्टार्क, कमिंस और ये क्या है, जैम्पा। आई होप सारी चीजों को आप समझ रहे होगे, जो 11 खिलाड़ी मैंने सिलेक्शन किया है वो देखो ये किया, कौन कौन, गिल, शमी, विराट, रोहित, अय्यर, जडेजा और ये राहुल, 7 खिलाड़ी वहां इंडिया से, और वार्नर, मैक्सी और ये जगह के लिए स्मिथ, लबुशाने और मार्श कंटेंडर है, और इस जगह के लिए स्टार, कमिंस और जैम्पा क्या है, कंटेंडर है। अब पिच के अकॉर्डिंग या फिर अलग अलग टीम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे, लेकिन 7-4 का मैंने रेशियो रखा हुआ है। अब 7-4 का जो मैंने रेशियो रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है मैं आपको बताता हूं, गिल और शमी का मैंने गुजरात टाइटन बता दिया, विराट कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, पिछले में शतक मार के आ रहा, जब भी बड़े मैच होते हैं तो बड़े मैच के बड़े प्लेयर को आप रखते हो, सेफ कैप्टन आप जाओगे किसके साथ, विराट के साथ। रोहित, रोहित को आप ड्रॉप करने का भी सोचना मत, क्योंकि रोहित की अगर हम बात करें तो रोहित हर मैच में 40-80-50 मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहित या इस मैचेस में ये जो फाइनल होने वाला है, या तो क्रॉसिंग माई फिंगर यार मैं चाहता नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जल्दी आउट हो जाए, और अगर ये जल्दी आउट नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कोर मारने वाला है, 100 के आसपास, 80-90 का, या तो हो सकता है कि 100 पार मार दे, मतलब 100 प्लस मार ही दे। तो इसलिए रोहित को क्या करो, 10 टीमें हैं, 5 में आप क्या कर सकते हो, 5 क्या 7-8 टीमों में इसको आप रख के ही लेके चल रहा, ड्रॉप मत करना, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित मारेगा तो बड़ा मारेगा जैसा। अय्यर, अय्यर का देखो क्या है, टॉप फॉर्म में यार, आप इसको हटा ही नहीं सकते, कोई सवाल नहीं है, और अभी देखो मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की जो हड्डी है वो कौन है, अय्यर है। और जडेजा, जडेजा का मैंने कॉन्सेप्ट बताया पिछली वीडियो में कि क्या है, टर्न होगी, सेकंड इनिंग में टर्न होगी, मदद मिलेगा, जडेजा आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा और जडेजा आपको क्या देगा, बॉलिंग से भी पॉइंट देगा, इसलिए 7 खिलाड़ी को। वार्नर, वार्नर का रिकॉर्ड देखोगे तो इंडिया के खिलाफ क्या है, वार्नर का रिकॉर्ड अच्छा है, अगर चेजिंग होगी तो वार्नर बहुत बड़ा प्लेयर होगा कि इनको उम्मीद करेगा ऑस्ट्रेलिया की ऊपर से क्या करें, शुरुआत दे, तो वार्नर मैंने इसलिए रखा है। मैक्सी, नो डाउट बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देता है, अगर हल्की सी भी टर्न पिच होती है तो मैक्सी आपको बॉलर से भी बॉलिंग से भी 1-2 विकेट ले लेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 1 विकेट ले लेगा, और रन से भी 30-35 रन आपको बना के दे सकता है। और इसको आउट करने के जो प्रबल दावेदार है वो कौन हो सकते हैं, जडेजा और कुलदीप, तो दो में से एक को लेना था, मैं जडेजा के साथ जा रहा हूं क्योंकि जडेजा बैटिंग भी कर लेगा। उसके बाद ये देखो स्मिथ और लबुशाने, स्मिथ और लबुशाने का जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के खिलाफ क्या है, अच्छा है, दोनों का दोनों रिकॉर्ड अच्छा है, स्पिनर के सामने अच्छा खेलते हैं, तो स्मिथ और लबुशाने। और तीसरा क्या है, मार्श, मार्श का देखो तकरीबन 60 से भी ज्यादा का एवरेज है इंडिया के खिलाफ इसका, मार्श का, लेकिन मार्श की कमजोरी कौन है,
स्मिथ, सॉरी मार्श की जो कमजोरी कौन है, शमी। तो शमी जैसे ही ये विकेट पहला ऊपर से गिरेगा, मार्श आएगा, तो हमारे इंडियन कैप्टन यानी रोहित क्या करेंगे, शमी को लेके आएंगे किसके सामने, मार्श के सामने। तो ये क्या हो जाएगा, मार्श वहां पे आउट हो सकता है, लेकिन आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब एक और ऑप्शन मैं उनका दे रहा हूं, क्या स्टार्क कमिंस और जैम्पा। स्टार्क और कमिंस की तरफ अगर आओगे तो वो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे देंगे, क्योंकि आप देखो तो गिल, विराट, रोहित, अय्यर और राहुल पांच बल्लेबाज प्लस जडेजा एक ऑलराउंडर मैंने रखा है, यानी छह बल्लेबाजों को रख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रन तो बनाएंगे प्लस विकेट भी तो गिरेगा ना यार, तो विकेट गिरेगा तो मतलब क्या कमिंस या स्टार क्या जैम्पा, तीनों में से आप एक ऑप्शन के साथ क्या कर सकते हो, जा सकते हो, ठीक है। जैम्पा को देखोगे तो जैम्पा का रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ अच्छा, लेकिन जब जब जिसका रिकॉर्ड हमारे प्लेयरों के खिलाफ अच्छा रहता है उनके खिलाफ वो क्या करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इंडिया एक दो खिलाड़ी नहीं, सबके लिए वो प्रिपेयर होकर अच्छे तरीके से आ रहे हैं। तो ये रहा मेरा 7-4 का टीम कॉम्बिनेशन। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करिए, देखो टीम नंबर ए बता रहा हूं, जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, और मैं मान रहा हूं कि इंडिया जब पहले बैटिंग कर रही है तो 325 का भी क्या कर रही है, 325 रन से भी ज्यादा का स्कोर खड़ा कर रही है। और देखो मैं एक प्रेडिक्शन मेरी क्या है कि ऊपर के जो चार बल्लेबाज हैं, चार बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज जरूर होगा जो क्या करेगा, सेंचुरी मारेगा, या फिर हो सकता है चार जो बल्लेबाज हैं, चारों के चारों बल्लेबाज में से दो या तीन बल्लेबाज ऐसे होंगे जो 70 या फिर 80 रन की क्या करेंगे, पारी खेलेंगे, ठीक। अब एक बात बताओ, ये राहुल को जो मैंने डाला है ना, राहुल को आप ड्रॉप करके क्या कर सकते हो, इंग्लिश को ले सकते हो। आप सोचते होगे कि मूर्खता वाली बात है ना, बट मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, समझो। राहुल को अगर देखोगे, राहुल का सिलेक्शन है ना, मैं राहुल का यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, फिर मैं दोबारा से रब करके बताऊंगा। राहुल का अगर सिलेक्शन देखोगे तो राहुल को 94% लोगों ने टीम में अपने रखा हुआ है। इंग्लिश को देखोगे तो इंग्लिश का मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश को कितने लोगों ने रखा हुआ है, सॉरी 92% अभी रखा हुआ है, हो सकता है आगे जाके बढ़ सकता है। 92% लोगों ने राहुल को रखा हुआ है, और इंग्लिश की अगर बात करोगे तो 14% लोगों ने किसको रखा हुआ है, इंग्लिश को रखा हुआ है। तो अगर माइनस करोगे 92 में से 14 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 78%, ठीक 78% आएंगे। तो एक बात समझो, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो गेम में, 4.5 करोड़, मतलब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, टीम में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फर्क है, वो कितने का है, 78% का, यानी 92% राहुल को लोग रखे हैं और इंग्लिश को कितने लोग रखे हैं, 14%, यानी 78% का फर्क है। तो 4.5 करोड़ का 78% आप निकालोगे तो कितना कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स तकरीबन कितना आ जाएगा, 3.5 करोड़, समझ रहो। यानी राहुल और इंग्लिश में लोगों ने जो चुना हुआ है खिलाड़ी, उसमें कितने का फर्क है, 3.5 करोड़, यानी 4.5 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोग का 3.5 करोड़ ज्यादा लोग हैं जो किसको लेकर के जा रहे हैं, राहुल को लेकर जा रहे हैं। तो लेट सपोज अगर मान लेते हैं कि राहुल अगर 40 रन बनाता है आखिरी में, मतलब ऊपर से जितने खेल ले रहे हैं यार, तो कमी गेंद बचेगी, तो मान लो उसके बाद भी 40 रन बना लेता है, और इंग्लिश की बात करते हैं 30 रन या 35 रन बनाता है, सिर्फ 30 या 35 रन। इसके बावजूद जान लेना कि इंग्लिश की जो रैंकिंग होगी, पॉइंट आपको दिखेगा राहुल ज्यादा दिया, लेकिन रैंकिंग देखोगे तो इंग्लिश ऊपर लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि 3.5 करोड़ लोग होंगे वो ऑलरेडी क्या होंगे, राहुल के साथ गए हैं, और इंग्लिश के साथ कम लोग हैं, तो इंग्लिश वाले लोग क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे। समझो मेरी बात को, लॉजिक है ये, पूरी चीजों को समझो। रैंकिंग में हो सकता है कौन जाएगा, ये इंग्लिश वाले जाएंगे, तो इस हिसाब से आप इंग्लिश को भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा 7-4 का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से मैंने बनाया। तो सेफ कैप्टन मैं बताता हूँ, सेफ कैप्टन कौन कौन है देख लो। सेफ कैप्टन में डबल स्टार लगाता हूं, विराट, गिल, शमी, ये क्या है, सेफ कैप्टन है। अय्यर को सेफ कैप्टन इस मैच में नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो बॉलर से थोड़े बाउंस वाउंस मारते हैं ना, तो थोड़ी सी शायद मैं अय्यर को डाउन नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा सा डाउन लेके चल रहा हूं, तो अय्यर को मैं 1 स्टार दूंगा। तो सेफ कैप्टन कौन है, गिल है, शमी है, विराट है, ये आपके सेफ कैप्टन है, ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैक्सवेल वार्नर या फिर स्मिथ लाबुशाने, मार्श, कमिंस, जैम्पा, स्टार, ये लोग सेफ कैप्टन, मैं ये नहीं बोलूंगा। राहुल भी सेफ कैप्टन नहीं, क्योंकि कम गेंद मिलेगी। सेफ कैप्टन कौन है, वो तीनों है। अब देखो वो वाले कैप्टन जो थोड़ी सी रिस्की कैप्टन होंगे, बट हाँ ऐसा नहीं रिस्की वाला, ऐसा मत समझ लेना कि बेकार वाले, अच्छे प्लेयर है, स्टार्ट अच्छा मिल रहा, कन्वर्ट बड़ा नहीं कर पा रहे हैं थोड़ा सा। जैसे आप देख लो रोहित 40-80 हमेशा मार रहा है, तो आप रोहित को एक सिंगल स्टार अय्यर पे कर सकते हो, जडेजा पे कर सकते हो, और इधर से आओ वार्नर पे कर सकते हो, इधर से आओ मैक्सी पे कर सकते हो। ये क्या है, मतलब जो मेन कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं, गिल, शमी, विराट, उसके बाद नंबर किसका आता है, रोहित का आता है, अय्यर का आता है, जडेजा का आता है, वार्नर का आता है, मैक्सी का आता है, इनका आता है, ठीक है। और मार्श को भी लेके चलना, मार्श बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, और मे भी ये गेम चेंजर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शमी इसको आउट करेगा, बट अगर शमी आउट नहीं कर पाता है, अटैक करता है ये, क्योंकि इसने बयान बहुत बड़ा दिया है, तो मान के चलते अगर बयान दिया, क्या पता शायद अगर परफॉर्म कर दे, तो हो सकता है कि ये पूरा गेम गंदा कर दे इंडिया के लिए। तो मार्च को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए क्या कर सकते हो, सोच करके चल सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा मैंने बताया था, 7-4 का। अब मैं आपको बताता हूं कि 8-3 का, तो 8-3 का देखना है ना, तो सुबह वाली वीडियो जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा 8-3 का क्या है, ठीक है। तो 8-3 का मैंने बनाया। अब मैं आपको एक 6-5 का बनाकर दिखाता हूं कि 6
और पांच, और जानो मैं मान के चल रहा हूं कि छह पांच, मैं ये मान के चल रहा हूं कि बैटिंग कोई भी कर रहा है, ये बैटिंग कर रहे हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं एक जनरल लेके चल रहा हूं कि अगर छह पांच का हम लेके चलते, क्योंकि जो दोनों जो मुकाबले हैं दोनों की टीम जो है, दोनों टीमें जो है वो कॉम्पिटिटिव टीम है और बराबरी की टक्कर है, एकदम बराबरी की टक्कर है, जबरदस्त प्लेयर दोनों तरफ है, बैटिंग हो बॉलिंग हो या कुछ भी हो, दोनों तरफ क्या है बराबर बराबर प्लेयर है, अच्छे अच्छे प्लेयर है। तो छह पांच के साथ मैं जाऊंगा, तो छह पांच के साथ मैं अगर हम जा रहा हूं तो देखो मैं टीम का क्या सोच रहा हूं, कौन कौन होंगे देख लो। इंडिया से मैं निकालता हूं तो गिल होंगे, शमी होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ गिल शमी को मैं रखूंगा क्योंकि वो गुजरात टाइटंस वाला मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद विराट होंगे, तीसरा खिलाड़ी विराट होगा मेरा, चौथा खिलाड़ी विकेट कीपर लेना ही लेना है तो मैं केएल राहुल को ले लूँगा, ठीक है, इसमें केएल राहुल को लूँगा। उसके बाद आएगा पाँचवा जडेजा, उसके बाद आएगा रोहित, ये कितने हो गए हमारे गिन लो, एक दो तीन चार पाँच है, ये मेरे छः, छः मैं कहाँ से ले रहा हूँ, इंडिया से ले रहा हूँ। अब मैं ऑस्ट्रेलिया को दिखा देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पाँच, पाँच मैं किसको लूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वार्नर, उसके बाद आएंगे वार्नर आएंगे, उसके बाद क्या लेके चल रहा हूँ हेड, वार्नर हेड मार्श, वार्नर हेड मार्श, ये रहा मैक्सी यानी ग्लेन मैक्सवेल, और एक क्या डाल देना अब एक बॉलर डाल देना उनका। अब बॉलर कौन कौन डाल सकते हो, या तो आप डाल सकते हो हेजलवुड को, या तो आप डाल सकते हो स्टार को, या तो डाल सकते हो आप कमिंस को, या तो आप डाल सकते हो किसको जैम्पा को, एक बॉलर आप डाल लेना कोई भी। तो ये छह इनके और पांच उनके, ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया है। और मैं क्या मान रहा हूं देखो, मैं मान क्या रहा हूं ये देख करके चलो, मैं मान करके क्या चल रहा हूं ये कब, जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि वार्नर हेड और मार्श टॉप ऑर्डर उनका चलेगा, तो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को मैंने रख लिया है। इसी में एक और सिनेरियो आप बना सकते हो जिसमें आप ये मान सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, तो फिर कौन आ जाएगा, बीच वाले। तो बीच वाले जब आ जाएंगे तो यही खिलाड़ी कौन कौन से बदल जाएंगे, वार्नर हेड और मार्श में से आप क्या करना एक प्लेयर को चुन लेना, ठीक, पांच बनाने हैं ना एक को चुन लेना, उसके बाद आप मैक्सी को रखना, मैक्सी को रख लेना, स्मिथ को रख लेना, कितने हुए तीन हुए ना, उसके बाद लबुशाने को रख लेना, लबुशाने कहते हुए चार हुए, और पांचवा मैंने आपको बता दिया ना बॉलर में से, समझ में आ गया, हेड वार्नर वार्च में से एक को ये ले लेना, उसके बाद मैक्सी दूसरा, स्मिथ तीसरा, लबुशाने चौथा, और पांचवा ये जो मैंने बताया ना कि बॉलर में से एक को लेना, ये टोटल क्या हो जाएंगे पांच। कब सिनेरियो जब ऊपर से मान रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे मिडिल ऑर्डर वालों को क्या कर सकते हो यहां से रख सकते हो। और सेम चीज जैसा हम लोगों ने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, जो कि उम्मीद नहीं थी 28-4, वो पूरा सेट तो था यार अफ्रीका के लिए, प्रेडिक्शन में मेरी सही थी कि अफ्रीका टॉस जीतेगा और टॉस जीत करके बैटिंग करेगा और फिर नहीं चेस कर पाएगा ऑस्ट्रेलिया। और देखो यार सच बताना, आपको नहीं लगता है कि अगर अफ्रीका ने 250 रन बना दिए रहते तो ऑस्ट्रेलिया चेस नहीं कर पाती, सच में बताना, क्योंकि मुश्किल था, नहीं कर पा रहे थे। लेकिन क्या करोगे 28 पे जब चार गिर गया तो अकेला आदमी क्या ही कर सकेगा, मतलब प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट मेरी सही थी, लेकिन वैसा मैच होगा किसी ने सोचा नहीं था। बट एक्सट्रीमली आई एम सॉरी, लिटरली आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग सॉरी टू एवरीबडी, क्योंकि मुझे लगता है कि उस दिन प्रेडिक्शन सबकी गलत हो गई होगी, आपने भी ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा रिजल्ट हो सकता है, बट फिर भी आई एम सॉरी, ओके सॉरी मैं बोल लेता हूं अपने एंड से। अब देखो चीज़ें मैं और आपको क्या बता रहा हूं कि अगर मान लेते कि अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था अर्ली कोलैप्स हो गया था ना, अफ्रीका का कोलैप्स हो गया, सॉरी साउथ अफ्रीका के ऊपर से जो थे कोलैप्स हो गए थे, तो अगर हम मान के चलते हैं यार, जो कि मैं मानना नहीं चाहता बट फिर भी अगर मगर वाली बात करें, और मानते हैं कि अगर इंडिया का क्या हो जाएगा टॉप ऑर्डर, टॉप ऑर्डर अगर क्या हो रहा है इंडिया का क्या कर रहा है कोलैप्स कर रहा है ना, अगर कोलैप्स करना चालू कर दिया तो समझना कौन कौन से खिलाड़ी आपके फिक्स हो जाएंगे। विराट, विराट आपका बचाएगा, पक्का आपको बचाएगा। उसके बाद आप जान लो अय्यर, अय्यर को खेलना होगा। उसके बाद जान लो राहुल, राहुल को खेलना होगा। उसके बाद जान लो कौन, उसके बाद कौन आएगा जडेजा, ओके जडेजा आपको बचाएगा। उसके बाद जान लो कौन होगा स्काई। अब स्काई समझो आपको मिलर याद आ रहा है, मिलर, मिलर किलर मिलर, देखा ना ऊपर से जब विकेट गिरना चालू हुए तो आपने मिलर को देखा ना वन मैन आर्मी की तरह खड़ा था, और मिलर क्या हुआ पूरे टीम को उसने संभाला और शतक मारा। ऊपर वाले से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा सिचुएशन ना हो कि हमारा ऊपर का टॉप ऑर्डर क्या हो जाए कोलैप्स करे, बट अगर कोलैप्स कर देता अगर मगर वाली बात आ जाती है तो विराट अय्यर राहुल जडेजा स्काई ये आपके क्या हो जाएंगे सबसे, मतलब मजबूरी बन जाएगी, इनको खेलना ही खेलना पड़ेगा, तो ये वाला आप ऑर्डर के साथ जा सकते हो। तो देखो मैं आपको सिनेरियोस बताता हूं, क्या बताता हूं सिनेरियो बताता हूं कि अगर ऐसा होता है यार तो क्या सोचोगे, वैसा होता है तो क्या सोचोगे, इस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से हो सकता है, और ऐसे तरीके से आपको क्या करना होगा टीम को बनाना पड़ेगा। तो देखो चार पांच तरीका मैंने बता दिया ना, सुबह वाली वीडियो में मैंने 8-3 का बताया था, 7-4 का मैंने बता दिया, 6-5 का मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको बताया कि अगर ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर गिर जाता है तो फिर आप नीचे से 20 से कैसे लोगे, फिर मैंने बताया कि अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर चल जाता है मतलब आउट हो जाता है तो मिडिल से कैसे लोगे। तो देखो चार अभी मैंने अभी बोर्ड पे बता दिया, नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार देख लेना पीछे करके, चार अभी मैंने बता दिया और सुबह वाले में मैंने एक तरीका बताया, बट एक तरीके में कई सारी बातों को मैंने बताया था, सेफ कैप्टन बहुत सी चीजें मैंने बताई यार, आप जाकर वो वीडियो वॉच आउट करो। एक बात और मैं बोलूंगा कि प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि एंड मोमेंट
डिपार्टमेंट में अगर मुझे कुछ चेंज करना रहता है या कोई भी अपडेट रहती है जो मुझे कहीं ना कहीं से पता चलती है या फिर कोई भी आइडिया ऐसे मेरे दिमाग में क्लिक करता है तो वो भी मैं क्या करूँगा टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो प्लीज टेलीग्राम की लिंक मैं डाल दूंगा, आप चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहां पे कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट्स आपको मिलेगी। अब मैं और भी कुछ अच्छी बातें आपको बता देता हूं, मैं देखता हूं है ना, बताता हूं मैं कुछ और भी आपको। हाँ तो वो बात मुझे आपसे ये कहनी थी कि देखो दो चीज़ होती है, एक चीज़ वो होती है ना कि जो होने वाला है मतलब हुआ नहीं है होने वाला है उसके बारे में हम सोच सकते हैं यानी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो चीज़ हो गई है उसको देख करके तुम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं ना। अब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि जो मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं उन हर एक मैचेस में कोई ना कोई ऐसा तो होगा ना जो ग्रैंड लीग जीता होगा और रैंक वन उसकी होगी और 1.5 करोड़ या 2 करोड़ उसने जीता होगा। अब उसकी टीम को क्लिक करना और टीम को क्लिक करके उसको क्या करना खोलना और उसके टीम के प्लेयर्स को देखना कि इस वाले मैच में इसने अगर जीता है तो उसकी टीम में क्या था, कौन कौन प्लेयर था। देखो जो भी टीम का जो प्लेयर होगा ये मान के चलना कि जो भी जीता है उसने दिमाग लगा के नहीं जीता, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा बुद्धिजीवी है नहीं जो जीता हो और ये कहा हो कि यार मैंने एकदम सोचा था एग्जैक्टली ऐसा ही सोचा था ये चलेंगे और यही क्या करेंगे जिताएंगे। तो देखो वो ऐसा कुछ नहीं कि इसने सोच करके स्ट्रैटजी बना करके उसको नहीं जीता है और एकदम स्ट्रैटजी उसकी सटीक नहीं बैठी कि हाँ बस ऐसे ही सोचा, बट जीत गया ना तो हम क्या कर सकते हैं कि वो टीम को खोलना और उस टीम को खोलोगे तो आप देखोगे भले उसको उतना ना पता हो कि ये टीम जीत सकती है पर उसमें से हम पता क्या पैटर्न सीख सकते हैं ना। समझना हर एक चीज़ का क्या होता है पैटर्न होता है, और वो टीम जिसने ग्रैंड लीग जीता होगा उनका खोल के देखना और जाके पता करना कि उसका पैटर्न क्या था, उसने कितने बल्लेबाजों को मतलब ये जो मैच हुआ है वो किन के बीच में हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ मैच जो हुआ वो किन के बीच में हुआ, कमजोर टीम थी या कमजोर टीम दो मतलब समझो यार जो भी मैच हुआ था वो एक मजबूत टीम या कमजोर टीम के बीच में हुआ है या फिर दोनों मजबूत टीम के बीच में हुआ है, तो ये चीज़ पहले चेक कर लेना। उसके बाद जाके चेक कर लेना कि जो पिच थी वो पिच कहाँ पे हुई है, तो अगर मान लो कि एक मजबूत टीम थी और एक कमजोर टीम थी तो उसके हिसाब से देखना कि मजबूत के कौन कौन से चले हैं स्पिनर और ये कमजोर की जो थे वो कमजोर के कौन कौन से प्लेयर चले हैं और कमजोर के कौन कौन से बल्लेबाजों को मजबूत वाले के बॉलर्स ने क्या किया विकेट लिया है, तो वो चीज पैटर्न को पकड़ना। मैं पैटर्न बता रहा हूं कि पैटर्न को पकड़ लोगे तो आपको इस वाला मैच वो तो हाथ से निकल गया ना, लेकिन आगे जो मैचेस होंगे आपका आइडिया काम करेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर ऐसे ग्राउंड पे ऐसे पिच पे मैच होती है और एक कमजोर एक मजबूत टीम अगर खेल रही है तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है। तो एक टीम में चलो हम क्या करते हैं इसको इस तरीके से रिस्क बनाते हैं और इस तरीके से हम प्लेयर को क्या करते हैं ले करके चलते हैं। जैसे मैंने बताया ना डेविड मिलर और ये स्काई वाला कि अगर होता है तो आप स्काई को मान सकते हो कि शायद ये आखिरी मैच हो सकता है। होता है ना कभी कभी कि किसी को बहुत मौके नहीं मिल रहे हैं और इंसान पेशेंट धीरज के साथ अपना इंतजार करता है तो उसको कभी ना कभी मौका मिल जाता है ऊपर वाला देता है। तो मैं चाहूंगा नहीं कि इस वाले मैच में मिले ऊपर वाला हमारे खेलने टॉप ऑर्डर, लेकिन अगर मगर की बात करोगे तो स्काई यहाँ पे क्या हो सकता है गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि उस टीम को जाना जाकर के पैटर्न को पकड़ना कि कैसा हुआ है और उस पैटर्न को कहीं ना कहीं कॉपी पे लिख लिया करो, क्योंकि जब पैटर्न को कॉपी पे लिखोगे तो जितने भी मैचेस अभी बहुत भी मेगा ग्रैंड लीग्स होते हैं यार आईपीएल वगैरह आ रहा है तो आपको मतलब मदद करेगा, समझ रहे हो ना। तो सीखा करो ना, जितनी चीज़ें वो सीखोगे आपको काम करेगी। चलो उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने बातें आपको सिखाई है वो आपको पसंद आई होगी और जो भी मैंने मॉर्निंग की वीडियो में जो प्रेडिक्शन किया है या बातें मैंने बताई कि टॉस इंडिया जीतेगा और फिर सारी चीज़ों को बताया ये मेरा बस सोचना है ना, मेरा सोचना मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, बस सोचना है। मुझे लगता है 60-70% ऐसा चांसेस है कि ऐसा हो सकता है कि इंडिया टॉस यहाँ पे जीत रही है और जीत करके बैटिंग करेंगे, उसके बाद से मैंने पूरी चीज़ों को उस वीडियो में बनाया है तो आप जाकर के वॉचआउट करना। अगर वैसा होता है तो कम से कम आप तैयार तो रहोगे ना पहले से कि हाँ ऐसा हो सकता है तो उसके हिसाब से टीम बना लेते हैं। चलो उम्मीद करते हैं कि जो सारी बातों को जो भी मैंने तैयार किया था वो ऑलरेडी मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर कोई बात छुट्टी रह जाएगी तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, प्लीज जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें एंड प्लीज अपना प्यार दो अपना सपोर्ट दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्साइटिंग और नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक बताना चाहता हूं, मैं आपको सोचने का तरीका बताना चाहता हूं। मैं मेगा ग्रैंड लीग नहीं जीता सकता, मैं आपको बोलूंगा कि मेरी स्ट्रेटजीज और लॉजिक को सीखो, कैसे सोचना है पैटर्न को पकड़ो और उसके बाद से आप अपनी खुद की टीम बनाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ऊपर वाले का ग्रेस ना किसी के ऊपर हो सकता है मुझसे ज्यादा ग्रेस ऊपर वाले का अनुग्रह आपके ऊपर हो और जो टीम आप बनाए शायद आपकी टीम मुझसे ज्यादा बेहतर हो जाए, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करे, उसकी रैंकिंग ज्यादा ऊपर हो। तो प्लीज अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, आई एम डैम श्योर आपकी भी टीम होगी जो बहुत अच्छी होगी, अच्छा बना सकते हो, बस लॉजिक स्ट्रेटजी और प्लानिंग सीख करके बनाओ। सर अपना प्यार देना, अपना ख्याल रखना, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।